हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अभी शाम का हो रहे हैं 6:30, मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। हमारे बेटे का बर्थडे है तो मैंने लिया है यहाँ पे एक बैट बैडमिंटन। और यहाँ पे पहली बार मैं दीदी की दुकान पे आई। ये है मेन रोड पे मथुरा वाले चौक, ये मथुरा वाली रोड है जो मेन रोड पे है दीदी की दुकान। और दीदी से मिल के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि दीदी भी एक यूट्यूबर है, मेरी ही फ्रेंड है। और दीदी ने मुझे एक चीज़ के बारे में बताया। दीदी आप लोगों को खुद बताएंगी इस बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आ गई हूँ आपके बीच में, गीतांजलि ब्लॉगर। जैसे कि आप सभी जानते होंगे मेरा नाम है गीतांजलि और मैं ब्लॉग करती हूँ देहरादून से। तो दोस्तों, मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी, मेरी कंपनी का नाम है आई शाइन ABC वेलकेयर के नाम से। वैसे ये मेरा प्रोडक्ट है और इस कंपनी में मैं काम करती हूँ जो कि ये आयुर्वेदिक है। और इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपको ये मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी, ये प्रोडक्ट है आई शाइन का चारकोल वाला पेस्ट है। जैसे कि हम लोगों के दांतों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, कभी किसी के दांतों में किलों की प्रॉब्लम होती है, कभी दांतों से पस निकलना, कभी खून निकलना, इस तरह की समस्याएं हम चाहे ओमेंस हो चाहे मेन हो सबके, या बच्चे हैं आजकल, बच्चे सबसे ज़्यादा दांत खराब है बच्चों के क्योंकि चॉकलेट खाते रहते हैं, तो इस वजह से बच्चों के दांत काफ़ी ख़राब रहते हैं। तो आप सब लोग भी इस ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ABC वेलकेयर का आयुष शाइन के नाम से हमारा। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप अमेजन से आप इसको अपने लिए मंगा सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा ऑनलाइन भी है। और अगर आप ऑफलाइन मंगाना चाहते हैं तो दीदी से संपर्क करें और इनके इनबॉक्स में इनसे कांटेक्ट करें। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या यूट्यूब में, तो हम अपना प्रोफाइल पूरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि यूट्यूब में तो हम अपना कॉन्टेंट नहीं दे सकते, ऑल इंडिया के लोग जुड़े रहते हैं हमारे साथ में। बट हाँ, आप हमसे DM में इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं, आपको उस चीज़ के बारे में वहाँ पे जानकारी मिलेगी। और आप हमारा ये आयुषन का प्रोडक्ट लें और अपने दांतों की समस्याओं को दूर करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आयुर्वेदिक का जो आयुर्वेदिक अपनाएं, आयुर्वेदिक से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, हमेशा आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे। थैंक यू। मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ पे बर्थडे हो रहा है, बर्थडे बॉय भी है, सब लोग आ गए, कुछ लोग आ रहे हैं। यहाँ पे दीदी की नई दुकान है, यहाँ पे अच्छे अच्छे रेट में सामान मिलेगा। और मैंने भी करवा चौथ की बहुत सारी शॉपिंग यहीं से कि अच्छे अच्छे रेट में मिल रहे। दीदी की नई दुकान खुल रखी है यहाँ पे। और ये दिवाली के कुछ सामान भी हैं यहाँ पे, आप आ सकते हैं यहाँ पे। ये मेन रोड है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कहाँ पे है ये। ये है मेन रोड यहाँ पे, और यहीं इसी रोड पे है दीदी की दुकान। अभी नई दुकान खोल रखी है दीदी ने, और आज इसी दुकान खोलने के उपलक्ष्य में यहीं पर बर्थडे मनाएंगे हम सभी लोग। फिर खाना खाने बाहर जाएंगे होटल में, और सब लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे दिवाली के बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, लड़ी लुड़ी आए, ये है लड़ी और ये दिए वगैरह हैं, ऐसी अलग अलग डिज़ाइन के लाइट हैं, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे रेट में मिल रहे हैं यहाँ पर। और भगवान जी की बहुत सारी प्रतिमाएँ भी हैं यहाँ पर रखी हुई, कॉस्मेटिक का भी सामान है, लेडीज़ का सब सामान मिल जाएगा अच्छे अच्छे रेट में। अभी मैंने तो 1000 से ऊपर 1500 की शॉपिंग की है यहाँ से करवा चौथ में। बहुत ही अच्छा सामान है यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी का है। ये रही दीदी, इनकी दुकान है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं दीदी को। मैंने यहाँ पे 1500 की शॉपिंग की ना करवा चौथ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे रेट में मिल रही है। आप लोग ज़रूर आइए एक बार, और एक बार शॉपिंग करके देखना यहाँ पे, सामान अच्छे अच्छे रेट में मिल रही है और अच्छी क्वालिटी के भी है। मैं और सामान दिखाती हूँ, मैं आ गया आप लोगों को। अभी तो यहाँ पे बर्थडे की तैयारी चल रही है, यहाँ पे सब कुछ बच्चे आ रखे हैं हमारे, कुछ कुछ बच्चे ऐसे जो मौज पा रहे। ये हमारा बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, फुलाओ फटाफट। यहाँ पे पर्स भी है, मुझे भी एक पर्स पसंद आ रहा है, बाद में लूंगी। यहाँ पे ये शादी की चूड़ियाँ भी है, चूड़ा बोलते हैं जिसको। Do you think we
बच्चे एक आ चुका है और एक बड़े एक छोटा बेबी जो है गुस्सा हो गया, क्यों क्या आया तुमने इसको मारा, क्या क्यों किया तुमने इसको गुस्सा, उठ बैठ आ जाते हैं काटते आ जाओ, अरे दिल को आया केक काटते आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं और एक यूट्यूबर और मिले हैं मुझे, मैं मिलाती हूँ उनसे। ये है, अरे ये है क्या नाम है, मतलब तुम्हारी साधना, आप सभी लोग इनको तो बात सभी लोग हम भी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, तो बने रहें और कमेंट करें और सपोर्ट करें दीदी लोग, भाभी को बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। और ये मेरी भाभी भाभी है क्या, और ये बुला की बहरी है, छोटी बहू है हमारी, इन दोनों का ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने कल और परसों का, बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग था इन दोनों का, नहीं जिसने नहीं देखा होगा वो जरूर देखे पहाड़ी साधना, वो जरूर देखे। अब करते हैं केक काटने की तैयारी हो रही है, सपोर्ट करें, अच्छे से कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है, और जरूर इनके प्यार प्यारे सपोर्ट करें आप, प्यारे प्यारे सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे आप छोटे छोटे सब्सक्राइब, एक अंगुली से सब्सक्राइब करना, चलो तुम भी उधर से जाओ, दोनों पकड़ो हाथ से, अब हाथ पकड़ खाली, चुका है आपके भाती फोन क्या चुम रहे, फोटो भी नहीं खींचा, तो बचपन की सहेलियां मिल गई है, अभी दोनों कॉलेज कर रहे हैं, जब एक फर्स्ट क्लास में थी ये दोनों, तब की सहेलियां चलो गोवे बारह में से ना दो हटा दो, भारत का फोन रखा तूने, गंदी बच्ची, अब तूने मुझे वादा किया था मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, जा ये हमारा भतीजा है बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी बुआ का चैनल इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो पहाड़ी साधना जो हमारी भाभी है जिनका ब्लॉग है पहाड़ी साधना उनका बेटा है ये अपनी मम्मी को इतना सपोर्ट करता है, इतना साथ देता है कि इतना कोई नहीं कर सकता, आपको नहीं दूंगा क्या, हाँ बिल्कुल मेरा साथ देने के लिए भी तैयार है, गुड बॉय, जाओ तुमने खिला दिया, अब आ गए छोटे छोटे बच्चे, बोल कुछ बोल, सच्ची में सच्ची में झूठ क्यों बोलूँ ना, सामने देखो इसकी नजर ना केक के ऊपर ही लगी है कि कोई ना देखे मुझे, देखो ये देखो ये देखो खा लिया, आज इसकी मजे है भाई, और ये है अमोलास होटल, यहाँ पे होगा खाना पीना, चलते हैं अंदर देखते हैं क्या क्या है, तो आप लोग बने रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद। अभी हम पहुँच चुके हैं होटल में अमोलास होटल, खाना पीना खाएंगे, चलेंगे,
ये तो नए बताते फ्रेंड तीसरी बार मिल गई ये जरा तो सब लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आ गया सबसे पहले इस निकालो लो तो और निकालो हाँ निकालो कुछ एक मिनट बना दे तो कल भैया भी चलेंगे अभी जा रहे हैं कल मेरे कल की है बुकिंग बैठे कल है क्या यहाँ पर तो शाम हो रात को वो रात आज आज यहाँ पे गुन्नी की दीदी आज जो अभी आई है ऑफिस से लेट आई है अभी और यहाँ पे हो रही है अरे दिखाना कहाँ से है बच्चों और यहाँ पे अब हो रही है गुन्नी की आ गया गुन्नी ये है गुन्नी गुन्नी की बर्थडे की अब हो रही है अनबॉक्सिंग एक बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो रही है जो दीदी कर रही है गाइस सस क्या हो सकता है आखिर देखते हैं सस्पेंस क्रिएट हो गया है यहाँ पे हट जा हट जा गाइस इसमें एक बॉक्स है पता नहीं उसमें क्या हो सकता है गुड ये देखिए पर बड़े हैं मेरे को लग रहा है तीन नंबर का लगता है गुन्नी से ज्यादा तो ये गुन्नी पहला अपना जूता इधर दिखाइए गुन्नी के छोड़िए गुन्नी एक मिनट गुन्नी के ये जूते हैं निविया के दीदी एक मिनट ये देख सकते हैं पीछे की आ गया खाना और बच्चों का इतना हल्ला हो गया कि क्या बताएं बच्चों ने खूब मस्ती की यहाँ पे एक चीज दिखाती मैं आपको छोटी सी कढ़ाई चलो खाना लगाते हैं फिर खाना खाते हैं हमारा खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ दाल मखनी और पनीर हो गया और मेरा खाने में साफ साफ बोलना है बस पापा अच्छा है कभी तो नहीं और यहाँ पे हम सब लोगों का खाना पीना हो चुका है और बच्चों ने खूब इंजॉय की है अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद